आज जो हम बात करेंगे, हम मैथ्स के टॉपिक रेशियो को लेकर बातें करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या होता है, रेशियो के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और रेशियो कितने तरह के होते हैं, और रेशियो से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो बेस्ड ऑन MCQ फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ BHU BCOM एंड CA फाउंडेशन। चलो ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो रेशियोज को लेके। आज भाई रेशियो जो होता है, आपके डिफिनीशन लिखा समझते, डिफिनीशन क्या लिखा फिर समझेंगे अपनी बातों को। डिफिनीशन बोला कि कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जर्वेशन ए एंड बी इज कॉल्ड देयर रेशियो इफ इट रिप्रेजेंटेड एज ए इज टू बी इन एनी रेशियो ए इज टू बी, ए इज कॉल्ड एंसिडेंट एंड बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। अब देखो भाई, इसने तो बोल दिया, बट आओ समझे हम कि रेशियो को कैसे समझेंगे और कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो भाई, रेशियो मैं एक लेता हूँ एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि ए और बी, ए एंड बी ये जो है ना, दो सेम क्वांटिटी के हैं, सेम क्वांटिटी या फिर सेम काइंड के लिखते हैं, दैट बताओ सेम काइंड। भाई क्या है ए और बी, क्या है सर, दो नंबर्स हैं जो क्या है सेम काइंड के हैं। क्या है भाई, सेम काइंड के है। सेम काइंड बोले तो सर, सेम काइंड बोले तो सेम यूनिट्स, सेम यूनिट्स। डैट मीन्स क्या, अगर ए रुपीज में है तो बी भी किस में होगा, रुपीज में होगा। अगर ए केजी में है तो बी भी किस में होगा, केजी में होगा। अगर ए मीटर में है तो बी भी किस में होगा, मीटर में होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम काइंड। क्या बोलोगे, सेम काइंड। ए और बी क्या है भाई, एक दो जो है ना क्या है, सेम काइंड के हैं। क्या है भाई, सेम काइंड के। अब मुझे देखना, जब ये दोनों सेम काइंड के होंगे तो आप अगर इसको फ्रैक्शन में जब लिखोगे, डेट इज ए अपॉन बी, क्या लिखोगे, ए अपॉन बी लिख सकते हो क्या। हाँ सर, इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी लिखेंगे क्या। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज टू बी, क्या इसको बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, ए रेशियो, ए रेशियो बी, या फिर ए इज टू बी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, जब हम लोग दो सेम क्वांटिटी को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसे रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम लोग क्या बोलेंगे सर, रेशियो बोलेंगे। समझे क्या। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, अब नेक्स्ट इसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम जानेंगे। प्रॉपर्टीज क्या बोलो, प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम एक बातें और जाने, ठीक है, कि रेशियो के लिए क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट बातें हम क्या बोलेंगे कि सर रेशियो क्या होना चाहिए, सर सेम यूनिट का होना चाहिए। डैट मीन्स जो भी आप नंबर लोगे वो क्या होना चाहिए सर, सेम काइंड का होना चाहिए, सेम यूनिट का होना चाहिए। इसका तो समझे क्या सर, अगर आपके पास ए जो है रुपीज में है तो बी भी किस में होगा, रुपीज में होगा। अगर ए आपका एज है तो बी भी किस में होगा, एज में होगा। तभी क्या हो सकता है, वो रेशियो बन सकता है। नेक्स्ट बात है, जब आप इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में, तो ये क्या है आपका न्यूमरेटर है, क्या क्या है ये अपना न्यूमरेटर बोलते हो उसको ना, और अपना बी क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। बट हम जब रेशियो की बात करेंगे, जब हम रेशियो की बात करेंगे
ए इज टू बी, ए इज टू बी। हम इस ए को या तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या फिर हम इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और बी को हम लोग, या तो हम लोग बी को सेकेंड टर्म बोलेंगे, सेकेंड टर्म बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, डैट इज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सर क्या बोलोगे कि सर रेशियो क्या होगा, दो सेम क्वांटिटी के बीच में ऑब्जर्वेशन या रिलेशन को बताएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या बोला कि रेशियो की पहली बात क्या, सेम यूनिट की होनी चाहिए। रेशियो सर क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए। जब तक सेम यूनिट्स के नंबर नहीं होंगे हम उसकी रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे पास सेम यूनिट्स के नंबर नहीं होंगे हम लोग रेशियो को फाइंड आउट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्या बोला, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको एंटीसीडेंट, और जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसको कॉन्सिक्वेंट के नाम से भी जानते हैं। चलो इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, रेशियो हैज नो यूनिट्स, रेशियो हैज नो यूनिट्स। डैट मीन्स क्या कि सर रेशियो का ना कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है। आप समझेंगे कि एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर जो है ₹4 है और जो दूसरा नंबर है वो आपका ₹6 है। दोनों की यूनिट क्या है, सेम है क्या? हाँ सर दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। तो आप क्या इसे रेशियो के फॉर्म में बोल सकते हो? हाँ सर बोल सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे कि ₹4/₹6, बोला है ना। तो ये रुपीज़ ऊपर भी रुपीज़ नीचे भी कट जाए क्या, तो बचे क्या मेरे पास 2/3। अब इसको हम रेशियो में क्या बोलेंगे, 2:3। क्या उसका रुपीज़ बचा क्या? नहीं ना, रुपीज़ सर क्या हो गया, कट गया ना। एक और एग्जांपल ले लो, 2% एक दिया हुआ है, 2%, और एक और नंबर है जो आपका है 18%। क्या है, 18%। आप इसको क्या लिखोगे कि 2% upon 18%। अब मुझे बताना परसेंट न्यूमरेटर में भी है और परसेंट डिनोमिनेटर भी है, तो कट जाएगा क्या, तो बचेगा क्या मेरे पास 2/18, डेट इज इक्वल टू 1:9। तो क्या आपने देखा क्या कि रेशियो का यूनिट आ रहा है क्या? नहीं सर कोई यूनिट नहीं आता है। अगर कोई पूछते कि ऐसा क्यों होता है तो आप क्या बोलोगे कि सर रेशियो जो होता है ना सेम यूनिट्स के बीच में निकाली जाती है, और जब सेम यूनिट होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, बस बचेगा क्या सर, यूनिट बचेगा ही नहीं केवल नंबर बचेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, रेशियो का यूनिट नहीं होता, रेशियो का यूनिट नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आई आपको क्या? अगर आपकी बातें यहाँ तक समझ में आई तो हम आपसे कुछ और बातों पे भी बातें करेंगे। और जो नेक्स्ट बातें हैं, कभी कभी आपसे पूछ देता है एग्जाम्स में कि टाइप्स ऑफ रेशियो, क्या पूछता है, टाइप्स ऑफ रेशियो। आइए आपके नोट्स में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रेशियो, उसके बारे में थोड़ा देख लें कि रेशियो के टाइप्स में क्या क्या बोला गया। प्रोपोर्शन को बाद में देखेंगे, प्रोपोर्शन को बाद में देखेंगे। देखो भाई फर्स्ट बोला डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोला, डुप्लीकेट रेशियो। भाई डुप्लीकेट रेशियो के केस में हम क्या करते हैं ना, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। डैट मीन्स क्या, अगर जो भी नंबर दिया हो ना उसका क्या कर लोगे, स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। फॉर एग्जांपल 2:4 दिया होता तो क्या करोगे सर, डुप्लीकेट से कैसे निकलेगा सर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो क्या जाएगा, 4:16।
काटना मत, काटोगे तो फूड 2:4 ही आ जाएगा, 1:4, ठीक है। काटना इसको मत, काटना इसको मत। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो, सर इसने क्या बोला, डुप्लीकेट रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो के पास क्या आ गया, 4:16, ये आया क्या। अब क्या बोला इसका, सर सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट में हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट मीन स्क्वायर, डुप्लीकेट मीन्स स्क्वायर, सब डुप्लीकेट क्यू, सॉरी सब डुप्लीकेट क्या कर लोगे उसका, सर स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या बोलोगे, सब डुप्लीकेट में हम लोग स्क्वायर रूट उसका निकालेंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सर 2, 16 का क्या होगा, 4, और ये अपना क्या होगा, हमारा रेशियो का आंसर होगा 2:4। अब देखो क्या बोला, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मीन्स क्या होता है, 3, ट्रिप्लीकेट मीन्स क्या 3, डुप्लीकेट मीन्स क्या 2, तो समझो क्या स्क्वायर और ट्रिप्लीकेट 3, डेट मीन्स क्या करेंगे हम लोग क्यूब करेंगे। एग्जांपल लेते हैं कि 2 की पावर, सॉरी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखते हैं हम लोग क्या कि 2:3, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि 2:3 अपना आंसर क्या आ जाएगा, 8:27, क्या जाएगा, 8:27। आई क्या समझ में, हाँ सर, डुप्लीकेट डबल मीन्स का स्क्वायर, डुप्लीकेट स्क्वायर क्या याद करो, डबल मीन्स 2, डेट मीन्स क्या स्क्वायर, डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर करेंगे। सब डुप्लीकेट डेट मीन्स क्या, सर डुप्लीकेट का सब हम लोग वहाँ क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब, ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब। नेक्स्ट बोला सब ट्रिप्लीकेट, तो क्या कर लोगे, हाँ बहुत बढ़िया सर, क्यूब रूट निकाल लेंगे, 8:27। अब इसे क्या पूछा हमसे, सब ट्रिप्लीकेट, तो क्या कर लोगे सर, क्यूब रूट ऑफ 8:27, सर कितना आ जाएगा, 2:3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या क्या बोलोगे सर, डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर करेंगे, डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिप्लीकेट क्यूब, ट्रिप्लीकेट क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट, बताए क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट बात है, देखिए क्या बोला, अब बोला इनवर्स, आपने सर पढ़ा क्या इनवर्स, इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा, उल्टा ना भाई, क्या आपका वो इनवर्स, इनवर्स मीन्स क्या उल्टा। अब देखो क्या हुआ, अगर मैं लिखा कि आपसे दिया गया इनवर्स रेशियो a:b = a/b and 1/b, अब देखो क्या इसने बोला, अब देखो हम जो है इसके बारे में बातें करेंगे कि इनवर्स रेशियो क्या बोलेगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास दिया रहे a:b और पूछे इसका इनवर्स क्या होगा, डैट मीन्स क्या उसका उल्टा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, b:a। या फिर एक और बातें बोला कि 2:3 का इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 3:2, क्या बोलोगे उसको, 3:2, ज़्यादा समझ जरूरत नहीं। नेक्स्ट बोलता है कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो मिस किया ना, अब मैं मान लो लिखा कि 2:3 एंड 4:5, इसका कंपाउंडेड रेशियो बताओ। अब बताओ इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 2/3 और क्या लिखोगे, 4/5, कर लो मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ, अपना क्या आ जाएगा, 8/15, डेट इज योर आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 8:15।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो और कुछ बातें रेशियो का मैं करूँगा नीचे, बाकी आपका जो है प्रोपोर्शन की पार्ट है। अब देखो जो नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे वो करेंगे अपना कुछ क्वेश्चंस को लेके, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे। और सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेशियो का, कि रेशियो जो हमारा होता है, जो अपना रेशियो होता है, वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है भाई? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है भाई? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सर इसका मतलब मैं नहीं समझा, आओ समझेंगे। एक रेशियो आपको दिया गया, मान लो 14:48। सर ये रेशियो कब होगा? जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, डैट इज हम लिख कह सकते हैं 14/48। ये 2 से कटेगा 7 टाइम्स, ये 2 से कटेगा 24 टाइम्स, तो अपना सिंप रेशियो क्या होगा? 7:24। रेशियो क्या होगा? 7:24, ना कि 14:48। रेशियो सर हमेशा क्या होगा? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। मैं दे दूँ इसको आप मान लो 4:6, 4:6 क्या रेशियो कहलाएगा? नहीं सर, रेशियो अपना क्या कहलाएगा? 2:3। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या होता है? हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब जो नेक्स्ट बातें मैं करूँगा, इम्पॉर्टेंट बातें, अगर रेशियो में ठीक है, कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करे तो रेशियो में, एकदम व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना इसको, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। मैं इसको आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज में इसलिए लिखवाया क्योंकि ये आपको इम्पॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखना होगा, समझना होगा कि अगर रेशियो में कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। आओ देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2:3। मैंने क्या बोला? एक कॉमन टर्म मान लिया, मान लो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको भी किससे करूंगा? सर 2 से, तभी तो ये 2 क्या कहलाएगा? अपना कॉमन टर्म। क्या आया अपना? कॉमन टर्म। क्या आया अपना? कॉमन टर्म। तो सर क्या हो जाएगा? ये 4:6, ये सर कट के क्या हो जाएगा? 2:3। डेट में समझे क्या? रेशियो था क्या पहले और अभी क्या गया? 2:3। क्यों? क्योंकि मैंने कॉमन टर्म 2 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई किया, कॉमन टर्म 2 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारे रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। अब आ जाओ और देखेंगे इसका एग्जांपल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस बात को समझना, और इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं इसका यूज पूरे रेशियो में करने वाला हूँ। अब देखो नेक्स्ट, ये अपना है एग्जाम्पल, मान लो 2:7। क्या है अपना? 2:7। अब देखो 2 और 7 मिलके कितने होंगे? सर 9। कितने होंगे? 9। अगर मैं क्योंकि
कहाँ से बोल रहा है? अगर मैं हाँ अब देखो हमने क्या लिखा, 2:7 इज इक्वल टू क्या होगा 9 इज इक्वल टू क्या होगा 9। अगर मैं बोलूं कि 9 को मैं कॉमन टर्म 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने से 4 से, तो क्या होगा 36। अब मुझे ये बताना, अगर मैं एक बार मल्टीप्लाई यहाँ किया तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा क्या? मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा क्या? क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि रेशियो मेरा चेंज ना हो, तो इनटू 4, तो यहाँ कितना आएगा ये 28, और यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग इनटू 4, तो अपना आंसर क्या आएगा 8, डेट इज इक्वल टू 2:7। समझे बात को? हाँ सर, डेट मीन्स क्या, एक जगह मल्टीप्लाई हो गया तो वो पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, अगर एक जगह मल्टीप्लाई बैठ गया ना वो पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा। अब एग्जांपल को समझे, मैंने क्या माना कि आप ए और बी हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उन दोनों के बीच का रेशियो मान लीजिए 5:8 है, 5:8 है। इन दोनों के बीच में हम लोग को ₹260 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है मुझे? ₹260 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो, अब क्या बोलोगे सर कि 5:8 थे, अब इन दोनों को मिला के कितना हो जाएंगे 13, 13। 5:8 थे ना, दोनों मिले कितना होंगे 13। सर 13, बट आपने कितना बांटना है आपको 260। अगर 13 रुपया होता तो 5 रुपया ए लेता और 5 रुपया बी लेता, था कि नहीं? अगर 13 रुपया आपके पास प्रॉफिट होता तो 5 रुपया ए लेता और 8 रुपया बी लेता, बट 13 रुपया नहीं है ना आपके पास। रुपीज़ कितने हैं सर 260, रुपीज़ कितने हैं 260, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने का आपने मल्टीप्लाई किया होगा 260 आएगा, तो क्या बोलोगे सर 20 से। कैसे निकला? 260 को आप 13 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। अब एक बार 20 आ गया ना, मैंने क्या बोला था कि हर जगह 20 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा, तो ये कितना आएगा 160, और अपना ये कितना आएगा डेट इज 20:100। तो अपना सर आंसर क्या होगा, ए का 100 और बी का ₹160। करना क्या सर, आपसे क्या बोला था 5:8, 8 और 5 13, सर 13 नहीं, कितना बांटना है मुझे 260 रुपीज़ बांटना है, 13 नहीं, कितना बांटना है सर 260 रुपीज़ बांटना है। और हमने क्या पढ़ा था कि एक बार कहीं पे मल्टीप्लाई फिक्स हो गया ना वो हर जगह होगा, तो आप निकालो वो कैसे, सर 13 को मैंने 260 से डिवाइड किया, 260 को मैंने 13 से डिवाइड किया, कितना आया 20, कितना आया भाई 20, और उससे 20 को हम लोग क्या कर लेंगे सर 20 का मल्टीप्लाई जो पूछेगा उसमें करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है चलो, ए और बी का रेशियो था 2:3, क्या था 2:3, ए और बी को, ए और बी दोनों को मिला के मैथ्स में, दोनों को मिला के मैथ्स में मान लो 270 नंबर आया, कितना आया 270, कितना आया भाई 270, तो बताओ ए और बी का कितना मार्क्स आया, ए और बी को कितना मार्क्स आया। तो आप क्या बोलोगे सर ए और बी मिला के कितने हैं सर 5, बट आपसे बोला क्या क्वेश्चन में कितने 270, डैट मीन्स क्या सर 5 नहीं, क्या चाहिए आपको 270, तो बताओ मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 5 5 जा 25, 2 बच गया 20, डेट इज 5 4 जा 20। एक बार यहाँ मल्टीप्लाई तो मुझे क्या करना होगा सर
हर जगह मल्टीप्लाई करना होगा, तो 54 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 162। और 2 इंटू 54 डेट इज इक्वल टू 108। मैंने क्या बोला, और एक जगह मल्टीप्लाई फिक्स हो गया ना, वो हर जगह होगा। या तो आप ऐसा मेथड फॉलो करो, या फिर ठीक है आप क्या करोगे, इसी मेथड को फॉलो करोगे, या फिर आप चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हो। क्या बताओ, ए का पार्ट कितना होगा? सर ए की 2/5 बोलोगे, और बी का क्या बोलोगे, 3/5। सर कितना बांटना था, 270 को। सर कितना बांटना था, 270 को। कितने बार में सर ये कटेगा, 54 बार में। तो 54 टू जा 108, ये भी कितने से कटेगा, 54 से। और 54 थ्री जा 162, डेट इज योर आंसर। आप जो चाहो मेथड फॉलो कर सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप चाहो तो इस मेथड को फॉलो करो, आप चाहो तो इस मेथड को फॉलो करो, जो आपको इजी लगे। बट मैं आपको सजेशन दूंगा, ऊपर वाला मेथड फॉलो करो, आसान रहेगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लूंगा। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास, चलो फिर एक लेते हैं क्वेश्चन, राम और श्याम को। राम और श्याम, राम और श्याम के पास ठीक है बकरी थी, दोनों के बीच में बकरी का नंबर्स ऑफ गॉड्स का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो अपना है 3:4। गॉड्स का रेशियो क्या है अपना, 3:4। और दोनों के पास ठीक है, दोनों के पास जो हमारा बकरी सॉरी गॉड्स जो थी, उनका रेशियो क्या था, 3:4। अगर बोलता क्या है कि राम की गॉड माइनस श्याम की गॉड अगर अपना 10 है, तो राम एंड श्याम की नंबर ऑफ गॉड्स कितने होंगे। अब मुझे बताना सर, राम और श्याम 3 और 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? सर डिफरेंस तो 1 का है, बट क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का दिया, सर 10 का दिया। डैट मीन्स क्या, मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर 10 से। तो हम 4 को भी 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 40। और 3 को भी 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 30। डैट इज योर आंसर, 30 एंड 40। ठीक है, क्या समझे क्या बात को? सर क्या बोला, डिफरेंस हम किसका लेंगे, डिफरेंस का। अब बात बोलता सम किसका लेते, सम का। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग इसी में। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। और मैंने क्या बोला कि राधा और गीता इन दोनों के बीच का रेशियो 3:4 है। 3:4 है। अगर गीता के पास रुपीज़ 160 है तो राधा के पास कितना होगा? अब देखो, राधा के पास कितना है, 3। गीता के पास कितना है, 4। सर 4 नहीं, कितना बोला है, 160। डैट मीन्स आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 4 16 = 40। तो मुझे यहाँ बताओ, यहाँ कितने से भी करना पड़ेगा, 40 से। तो आपका राधा कितना आ जाएगा, 4 3 12। कितना आ गया अपना, 4 3 12। डैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए भाई, हम थोड़ा सा प्रोपोर्शन पे बातें करेंगे।
रेशियो की बातें यहाँ पे थी, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे वहाँ पे, इस बात को समझेंगे और डिटेल में सर क्वेश्चंस में कैसे हम इस मेथड को यूज करेंगे। अब आ जाइए, हम बात करेंगे अपने रेशियो को लेके। किसके बारे में बात करेंगे? रेशियो के बारे में तो हो गई बातें, अब हम जो बातें करेंगे अपने प्रोपोर्शन को लेके करेंगे। देखो भाई, रेशियो में आपने क्या पढ़ा? सर पहला पढ़ा आपने इनवर्स रेशियो। सर इनवर्स मीन्स क्या? अपोजिट। डैट मीन्स अगर 2:3 है उसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा? 3:2। अगर फिर क्या पढ़ा उन्होंने? डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या बातें हो गई कि सर अगर 2:3 रेशियो है ना, उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर, डैट इज 4:9। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सर सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें किसकी बातें होगी? सर यहाँ जो बातें होगी वो बात किसको लेके होगी? हमारा सब डुप्लीकेट में क्या बातें करेंगे सर? स्क्वायर रूट की। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट की। ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्यूब की बातें थी ना। ट्रिप्लीकेट रेशियो किसकी बात करेंगे हम लोग? क्यूब की बातें करेंगे। सब डुप्लीकेट स्क्वायर क्यूब रूट की बातें करेंगे। सब डुप्लीकेट क्यूब रूट की बातें करेंगे। रेशियो में अगर हम लोग एक कॉमन टर्म मिल गया हमारा तो हम सारे की वैल्यू बता सकते हैं। आप कुछ भी पूछ लो, हम उतने से मल्टीप्लाई, कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करके सारे आंसर को बता सकते हैं। अभी प्रोपोर्शन क्या बोला? प्रोपोर्शन बोलता है इफ एनी टू रेशियो आर सिमिलर। डैट मीन्स क्या? मैं लिखता हूं 2:3, ये आपका प्रोपोर्शन का सिंबल है। दिस इज नोन एज सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। 4:6, 4:6। क्या मैंने बोला कि 2:3, 4:6। अब देखिए, आप बताओ क्या सर ये भी क्या हो जाएगा? 2:3। क्या ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है क्या? क्या ये रेशियो इक्वल है क्या? कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, दो रेशियो सिमिलर होते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। डैट मीन्स क्या बोला? a:b प्रोपोर्शन c:d तभी होगा जब a की और b की जो रेशियो होगी वही रेशियो c और d की हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3:4। प्रोपोर्शन 12:16। सर ये भी क्या हो जाएगा? 3:4। डैट मीन्स रेशियो क्या हो गई? रेशियो सेम हो गई क्या? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन बोलेंगे। चलिए, आइए कुछ बातें बोला प्रोपोर्शन को लेके, उसको समझ ले, फिर हम बातें करेंगे प्रोपोर्शंस के बारे में कुछ और। पहला क्या बोला? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, देखो मीन प्रोपोर्शन आपने कैसे निकालोगे? देखो आपने निकाला है कैसे? मान लो ए और बी 2 है और एक अपना 3 है, दो नंबर्स थे, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? और हमेशा रूट में आएगा, तुम क्या बोलोगे? या फिर इसको भी ले लो 2:3, तो इसका मीन कितना हो जाएगा? √6। ठीक है, समझे बात को? या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास नंबर है, मान लीजिए 6 into 6 into, कुछ भी ले लो यार, 6 नहीं, दो नंबर चाहिए ना। चलिए आइए एग्जांपल लेते हैं इसको लेके। हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मानते हैं 3, कितना है? 3, और एक नंबर है 27। इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? इसका मीन प्रोपोर्शन इसके मल्टीप्लाई करके रूट कर दो तो कितना आ जाएगा सर? इसका आंसर 9। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन मीन्स क्या बोला? आपको ये याद रखना है कि अंडर रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सारी समझ लेते हैं नीचे, बट कंपाउंड देख लेते हैं। तो सर क्या बोला? कॉम्पोनेंडो रूल्स एंड डिविडेंडो रूल्स। कॉम्पोनेंडो मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ए इज टू बी
इज इक्वल टू सी इज टू डी दिया गया होगा। तो इसका कॉम्पोनेंडो मीन्स क्या बोलोगे कि सर ए प्लस बी अपॉन का बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन का डी, समझे क्या? डिविडेंडो क्या बोलते हैं सर, इसका माइनस, डेट मीन्स क्या ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। कॉम्पोनेंडो मीन्स क्या करोगे, जोड़ दोगे, इसको एडेंडो भी बोलते हैं हम। ऐसे क्या बोला, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या करेंगे इसको, सेम वही बात है कि ए प्लस बी अपॉन, दोनों काम करना है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई। अब आइए आपसे हम बात करेंगे किसी और प्रोपोर्शन के बारे में भी, कुछ और बातें करनी है, फिर हम लोग प्रोपोर्शन और रेशियो के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और अपना ये टॉपिक खत्म होगा। आइए बात करते हैं प्रोपोर्शन को लेकर। देखो भाई, प्रोपोर्शन क्या है, आइए अब बात करेंगे हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में। अब देखिए, हमने प्रोपोर्शन में क्या सीखा सर, कि मान लीजिए 2:3 है, 2:3 है, तो प्रोपोर्शन क्या होगा, 4:6 क्या होगा, 4:6। अब जो हमारा ये टर्म्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम, क्या है अपना एक्सट्रीम, और अपना ये जो टर्म है इसको बोलते हैं मीन, क्या बोलोगे, मीन। और एक बात बोलता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है हमारा प्रोपोर्शन का, ये हमारा जो है ना नेक्स्ट जो बातें हैं, जो क्या है हमारे पास, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, और वो क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट होगा किसका, एक्सट्रीम का, जो प्रोडक्ट होगा एक्सट्रीम का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। नहीं समझे बात को, देखो समझते हैं, इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, 2:6, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब बताना एक्सट्रीम में क्या क्या वैल्यू थी सर, 2 और 3, तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 इज इक्वल टू मीन में क्या बोला, 3 × 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 सर एक्सट्रीम में था क्या, 6 है ना सर, क्या बोलो यहां पे, 6 है ना अपने पास, तो हम लोग क्या लेंगे इसको, यहां पे
सिक्स, तो अपना ये क्या आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा आंसर कि 2 × 6 इज इक्वल टू 12, और ये भी कितना है अपना 12। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये चारों नंबर जो है ना वो किस में है, प्रोपोर्शन में है। डैट मीन्स क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर कि चारों नंबर क्या है हमारे, हमारे प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट बातें और बातें करेंगे इसमें। मैं एक लिख रहा हूँ, वही एग्जांपल लेता हूँ, 3:4 प्रोपोर्शन 9:12, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलोगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? सेकंड। ये अपना क्या हो जाएगा सर? गुड, थर्ड। और ये अपना क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ। ये अपना क्या हो जाएगा? फोर्थ। अब देखो क्या हुआ, हम लोग एक बात बोलते हैं कि फर्स्ट इंटू फोर्थ, ये अपना क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। आप ये भी बोलो या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, आपको जो याद रहे आप याद रखो। अब नेक्स्ट बातें करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 3:5 प्रोपोर्शन, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, 25 आपसे क्या बोलेगा, फाइंड एक्स। और अपना एक्स क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन। क्या है अपना? थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपसे ये भी बोल सकता है कि एक्स ना बोल के फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। क्या बोल सकता है? फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपने क्या पढ़ा था कि सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है क्या? तो अब क्या कर लोगे आप सर, 3:25 इज इक्वल टू 5×x। तो सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप क्या बोलोगे कि 3×25 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। तो अपना सर आंसर क्या आ जाएगा, 5×5 = 25, डेट इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू एक्स। ये बातें समझ में आई क्या? आई समझ में। सर x बोला एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मान लिए। अब देखो क्या हमसे एग्जाम में इतना करेंगे क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं। आपके पास दिया क्या, अगर स्ट्रीम दिया मल्टीप्लाई कर लो, जो दो दिया है ना, जो दो जिसका आपको वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर लो, और जो दो का रिलेशन बच गया एक से डिवाइड कर लो। तो क्या होगा, 25 है ना, 5×5 = 25 = 15 इज इक्वल टू कितना अपना आंसर आ गया, 15। बातें समझ में आई क्या? डेट मीन्स क्या बोला मैंने कि जिसकी वैल्यू एक्सट्रीम की या फिर मीन की, दोनों में से जिसकी वैल्यू दी हो, एक्सट्रीम की दोनों वैल्यू दी होगी मल्टीप्लाई कर लो, मीन की दोनों वैल्यू दी होगी मल्टीप्लाई कर लो, और जो एक नहीं दिया होगा उसके पार्टनर से डिवाइड कर लो। मीन दिया ना, दोनों मीन को ले लो, एक्सट्रीम सर नहीं दिया, एक तो दिया होगा उस एक से डिवाइड कर लो। बातें समझ में आई क्या? आओ एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने बोला 6:7 इज इक्वल टू 30:x। देखो आपके वैल्यू किसका दिया, दोनों वैल्यू किसका दिया, मीन का दिया ना,
तो क्या कर लो दोनों को मल्टीप्लाई, तो 7 into 30। सर किसका वैल्यू नहीं दिया? एक्सट्रीम का, एक्सट्रीम में से एक दिया एक नहीं दिया, तो जो दिया उससे क्या कर लो डिवाइड। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 5 30 और 7 5 35, डैट इज योर आंसर। बस आपको प्रोपोर्शन में यही बातें जाननी थी, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस पे बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।